इंडिया के पॉपुलर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच में नहीं रहे। 29 मई 2022 को इनकी बेदर्दी से मौत हो गई। इनकी जिस तरह से मौत हो गई, शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सिद्धू मूसेवाला ने स्ट्रगल करके कैसे नाम और इतना शोहरत कमाया था। पूरी स्टोरी वीडियो के लास्ट तक बने रही। तो चलिए जानते हैं। सुखदीप सिंह सिद्धू, इनका निक नेम सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला प्रोफेशन से सिंगर, रैपर, एक्टर और पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म 11 जून 1993 को मोसा मानसा पंजाब में हुआ था। बेहद दुख की बात है, 29 मई 2022, उम्र 18 वर्ष, मानसा पंजाब इनके होम टाउन में इनकी बेदर्दी से मौत हो गई। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला 6 स्टैंडर्ड से ही हिप हॉप सुनना शुरू कर दिए थे। बचपन से ही इनको गाना गाने का बेहद शौक था। इन्होंने लुधियाना के हरविंदर सिंह से गाना सीखना शुरू कर दिया था। इन्होंने आगे की पढ़ाई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान हॉर्स सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। इनके परिवार वाले चाहते थे कि ज्यादा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कनाडा चले गए। तो चलिए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के कैरियर। सिद्धू मूसेवाला ने अपने कैरियर की शुरुआत लिरिक्स के 2016 में पंजाबी सिंगर निंजा के लिए इन्होंने लिरिक्स लिखा था। लाइसेंस ये सॉन्ग बेहद हिट हुआ। सिद्धू कनाडा में रहकर अपने फर्स्ट सॉन्ग रिलीज किया जी वैगन, जो बेहद हिट हुआ। उसके बाद सिद्धू ने लाइव शो करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2017 में सिद्धू ने सोहाई सॉन्ग रिलीज किया। इस सॉन्ग पर ऑडियंस द्वारा खूब प्यार मिला। इस सॉन्ग के लिए सिद्धू मूसेवाला को ब्रिटिश एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड दिया गया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला चमकता सितारा बन गया। इसके बाद एक से एक फेमस सॉन्ग आए, ईसा जट, टोचन, सेल्फ मेड फेमस। 2018 में पंजाबी PTC अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए। साथ ही साथ अगस्त 2018 में पंजाबी फिल्म डाकू द मुंडा के लिए इन्होंने टाइटल सॉन्ग लिखा। 2 महीने बाद इन्होंने एल्बम डेब्यू किया PBX1 से, जिसमें से टोटल 13 सॉन्ग थे। यह एल्बम कैनेडियन एल्बम चार्ट में था। इस एल्बम के लिए इन्हें बेस्ट एल्बम अवार्ड दिया गया। सिद्धू मूसेवाला अक्सर विवादों से गहरा नाता था, अक्सर विवादों पर फंस जाया करते थे। इन पर आरोप भी लगाया गया था कि ये खुले आम गर्म कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी फैमिली की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम भोला सिंह और इनकी माँ करण कौर सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला ने December 2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हालांकि चुनाव में इनकी हार हो गई थी। सिद्धू मूसेवाला की लाइफस्टाइल की बात करें तो इनकी लाइफस्टाइल काफी लग्जरियस लाइफ थी। लोग इनको देखकर बेहद प्रभावित। सिद्धू मूसेवाला एक शो के लिए करीबन 18 लाख के चार्ज करते थे। कार कलेक्शन की बात करें तो कई लग्जरियस गाड़ी थी इनके पास। कार का इनको बेहद कैसी लगी इनकी लाइफस्टाइल कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलते हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।